खबर ग्वालियर से है, जहां दो बैग में 7 किलो चांदी के आभूषण व बिस्किट लेकर उत्कल एक्सप्रेस से उड़ीसा से मथुरा जा रहे एक युवक को मुखबिर से मिली पिन पॉइंट सूचना पर रनिंग ट्रेन के स्लीपर कोच से ग्वालियर से मुरैना के बीच चांदी के आभूषणों और बिस्किट के साथ पकड़ा है। चांदी जब्त कर पकड़े गए युवक को मुरैना से वापस ग्वालियर लाकर रेलवे पुलिस फोर्स ने आगे की कार्यवाही की है। पकड़े गए युवक ने पहले माल अपना बताया, फिर कुछ व्यापारियों के नाम लिए हैं। आरपीएफ ने मामले की सूचना जीएसटी के अफसरों को दे दी है। जीएसटी विभाग ने आगे की कार्यवाही की है। आरपीएफ थाना प्रभारी संजय सिंह आर्या ने बताया कि आरपीएफ की स्पेशल सीपीडी टीम व स्थानीय आरपीएफ अफसरों को मुखबिर से पिन पॉइंट सूचना मिली थी कि एक युवक लाखों रुपए के चांदी के आभूषण साथ लेकर उत्कल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सफर कर रहा है और वह मथुरा जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना पर आरपीएफ स्टाफ व सीपीडी की टीम उत्कल एक्सप्रेस के ग्वालियर पहुंचते ही बताए गए स्लीपर कोच में सादा वर्दी में सवार हो गई। आरपीएफ की सीपीडी टीम के हाथ लगा युवक नीरज गोयल पुत्र सुरेश चंद गोयल साल निवासी सहगंज आगरा यूपी होना बताया है। जब आरपीएफ टीम ने आभूषण संबंधी बिल मांगे तो युवक बिल नहीं दिखा सका। आरपीएफ की हिरासत में बैठे युवक ने बताया कि वह मथुरा से चांदी के आभूषण तैयार करवा कर उसे उड़ीसा के सोने चांदी कारोबारियों को बिक्री करने के लिए ले जाता था। वह बिक्री के बाद बचे माल के साथ लौट रहा था, उसी दौरान आरपीएफ के हाथ लग गया। युवक को पकड़ने वाली टीम में उप निरीक्षक रवीन सिंह रजावत, अनिल कुमार सिंह, दीपेंद्र सिंह भदौरिया, शकील खान व राजकुमार तोमर शामिल थे। आरपीएफ थाना प्रभारी संजय सिंह आर्या ने बताया कि आरपीएफ की सीपीडी टीम व स्थानीय स्क्वाड ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक युवक को 7 किलो 300 ग्राम चांदी के आभूषण के साथ पकड़ा है। मामला कर चोरी से जुड़ा होने पर आगे की कार्यवाही करने के लिए राज्य जीएसटी को सूचना दे दी गई है।